रहमान रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आपकी MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन जो है वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, कुछ असाइनमेंट्स जो मैंने देखी थी उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ थी, तो मैं आपको बता भी दूंगा कौन कौन सी गलतियाँ हैं। तो ये मैंने बिल्कुल करेक्ट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और इसकी वर्ड फाइल जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रूल थ्योरम, ठीक है। हमें फंक्शन दिया हुआ था और इंटरवल दिया हुआ था। हमने इस इंटरवल के दौरान जो है इस फंक्शन को चेक करना है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। फंक्शन हमारे पास था 1 + x - 2 / 1/3। हमने इंटरवल 2 और 4 10 है, हमने सबसे पहले जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करना है। 2 पुट करने के बाद हमारे पास 2 - 2 0, 0 की जो भी पावर हो वो 0, और 0 + 1 1 आ जाता है आपका आंसर f(2) का। इसी तरह से जब हम x इज इक्ल टू 10 लेते हैं, जिसको हम फंक्शन में पुट करते हैं, तो जहाँ पे x है वहाँ पे अगर हम 10 पुट करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे पुट करेंगे। जहाँ पे x है मतलब कि यहाँ पे अगर हम 10 पुट करें, x माइनस 2 है तो 10 - 2 आ जाएगा। 10 - 2 मीन 8, और 8 जो है बेसिकली 2 की पावर 3 होता है। जब 2 raised 3 जो है वो 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 1, और 1 + 2 बेसिकली 3 के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि f(2) का आंसर हमारे पास 1 आ रहा है और f(10) का आंसर हमारे पास 3 आ रहा है। रूल थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट होती है कि आंसर जो है वो सेम होने चाहिए, बिकॉज दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे इक्वल टू 0 आ जाता है। तो लिहाजा जो सेम नहीं हुए, लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इट्स क्लियर दैट f(2 and f(10) जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू इक्वल नहीं है। सो दस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें मिस्टेक थी जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारे पास, एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, हमने क्या किया, हमने नीचे वाले सेट जो है यहाँ पे इस चीज़ को हमने लेट करना था, ठीक है। जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम जानते हैं कि जो ये वाली चीज़ होती है ना स्टूडेंट, इसका मतलब होता है 1/x की पावर जो है वो 1/2 है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो 1/2 x की पावर -1/2 आना था। ये माइनस का 1/2 नीचे आके जजर बन जाना था। ये वो गलती है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 नहीं लगाया गया था। अक्सर मैंने असाइनमेंट में देखा, तो ये मिस्टेक थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं करेक्ट जो है वो असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दूँ। यहाँ पर वो 2 जो है ना वो नहीं लगा हुआ, तो जिनके पास है वो अपना 2 लगा लें, यहाँ पर ठीक कर लें उसको, वरना आपके नंबर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर यही 2 बाद में मल्टीपल होकर इस dt के साथ आ जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है आपका 1/2 √x, यानी कि मेरे पास ये जो इतना पोर्शन है और साथ में dx, इसका आंसर मेरे पास आ जाता है 2t 2 dt, और ये वाला सारा का पोर्शन मेरे पास t आ जाता है। तो उसके बाद 1/t है आगे, तो 2 जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर चला जाता है। फिर इंटीग्रेशन का रूल होता है, इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि जो भी जब भी हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए तो वो लॉग में चला जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास 2 log t + c आ जाता है, जिसको दोबारा t की वैल्यू जो है वो पुट करने के बाद हमारे पास यही इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ऑल द बेस्ट।